नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस टॉकिंग। दोस्तों, जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए 18 जुलाई 2023 को अमित शाह जी ने एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया और उसके बाद लगातार बहुत सारी जानकारी आपके सामने आ रही है, जिसमें कहीं ना कहीं अगर मेरी मानिएगा तो आपको अलग अलग तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। और इसी के तहत जो जानकारी आज आपके लिए लेकर के आए हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर वायरल करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, और इसी के तहत ये जानकारी लेकर के आया हूँ। पिछले एक हफ्तों के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे YouTube पे ऐसे वीडियो बने हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सहारा इंडिया का सारा ब्रांच खुलेगा। और उस वीडियो को जाकर के देखिएगा तो आपको ये बताया जाएगा कि आपको आपके क्लेम में कुछ जो त्रुटि रह गई है या फिर आपने जो क्लेम किया है और उसमें जो आपको डिफिशेंसी आ रहा है, यानी कि जो भी कमी के वजह से आपका रिजेक्ट किया जा रहा है, उसी को दूर करने के लिए ऐसा किया जाएगा। तो आज मैं न केवल इसकी जानकारी देने जा रहा हूँ, सही जानकारी जिसको आप पूरा ध्यान से देखिएगा। नहीं तो आपको याद होगा कि जैसे ही 18 जुलाई 2023 को अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च किया था और वैसे ही हमने आपको जागरूक करना शुरू किया था और आपको ये बताया था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक आप लोग क्लेम नहीं कीजिए। कई लोगों ने हमारे वीडियो को नहीं देखा होगा, किसी और को वीडियो को देखा होगा, या फिर ये भी हो सकता है कई लोगों को लगा होगा कि नहीं, अमित शाह जी कह रहे हैं तो हम अप्लाई कर देते हैं, और अप्लाई करने के बाद अभी परेशान हो रहा है। अगर हमारी बात को मानते तो शायद अभी परेशान नहीं होते, लेकिन जिन लोगों ने क्लेम कर दिया है उनके साथ किस तरह से फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उसको समझने के लिए 5-7 मिनट आप मुझे अगर सुनेंगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे जो भी अगर आप YouTube पे देखते होंगे तो अलग अलग मैसेज में, अलग अलग YouTube वीडियो में ये दावा किया जा रहा होगा कि सहारा इंडिया का बैंक खुलने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले इस बात को क्लियर कर दूं कि 2008 में सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग को काम करने पर रोक लगा दिया गया था और 15 में उसका RBI ने क्या किया, नॉन बैंकिंग का लाइसेंस ही रद्द कर दिया। अब ये देखिए कि सहारा इंडिया को अगर ये लगता कि फिर से उसका जो नॉन बैंकिंग वाला ऑपरेशन चालू हो जाएगा तो उसको आपके पैसे को कन्वर्ट करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो क्यूसअप में आपका पैसा कन्वर्ट नहीं करता और फिर अलग अलग सोसाइटी में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि वो फिर से अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए या फिर लाइसेंस लेने के लिए फिर से अप्लाई करता, अपील करता। तो इस बात को सीधे सीधे जान लीजिए कि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको कौन दे रहा है। इस तरह का इन्फॉर्मेशन सहारा इंडिया के द्वारा जो YouTube चैनल बनाया गया है या पोषित किया जा रहा है, यानी कि पैसा दे करके आप लोगों को गुमराह करने की जिसके मार्फत कोशिश की जा रही है, उनके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है। यही नहीं बल्कि आपको ये बता रहे हैं कि जिन लोगों ने क्लेम कर दिया है और क्लेम में कुछ कमी आई है उनको क्या करना होगा, और जिसमें ये मैसेज आया है कि आपका जो डाटा है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उनको क्या करना है, ऐसा उस वीडियो में दावा किया जा रहा है। उनको ये करना है, एक कोई फॉर्म बताया जा रहा है जिसको कि कस्टमर मास्टर फॉर्म ऐसा करके वो बता रहे हैं, उस वीडियो को अंदर जा कर के देखेंगे तो, और उसको कह रहे हैं भरने के लिए, और भरने के बाद क्या कह रहे हैं कि आप अपने एजेंट से उसको वेरीफाई कराइए और अपने संबंधित ऑफिस लेकर के जाइए। तो ध्यान रखिए, जो लोगों ने भी क्लेम करके फंस चुके हैं, एक तरह से हम यही कहेंगे कि फंस चुके हैं, उन लोग अगर जाएंगे फिर से ऑफिस के अंदर तो कुछ ना कुछ आपसे ऐसा पेपर ज़रूर साइन करवा लेंगे जिससे कि जो भी 10,000 रुपया मिलने की आशा में आपने क्लेम किया है वो भी 10,000 आपका नहीं मिलेगा। इस बात को नोट करके रख लीजिए, क्योंकि जहाँ लोभ कीजिएगा वहीं आप फंसिएगा। हालांकि अगर आप जो पोर्टल है सेंट्रल रजिस्ट्रार का रिफंड पोर्टल, उसमें अगर आप जमाकर्ता लॉगिन के ऊपर जाएंगे तो, हालांकि हमने काफ़ी पहले आपको बताया था कि इन्होंने 4 लाइन में कुछ अपडेट किया है और जिसमें ये कहा है कि जिन लोगों का भी क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है उनको 30 दिन के बाद उनको रिसबमिशन का एक ऑप्शन दिया जाएगा। हालांकि इस पोर्टल पे रिसबमिशन का अभी तक कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है और इसीलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई और लिंक दे रहा है, कोई अलग अलग तरीके का जानकारी दे रहा है, तो उसको मत देखिए, क्योंकि
अभी तक ऑफिशियल कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि जो लोग अप्लाई कर दिए हैं उनके लिए जानकारी दे रहा हूँ, और जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं वो तो गलती से भी अभी अप्लाई मत कीजिए जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए। बार बार मैं यही कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप जब अप्लाई करते हैं उसी समय आपसे एक घोषणा ले लिया जाता है जिसमें ये कहा हुआ है कि आप जब इस पे अप्लाई पे जो आप कहने का मतलब सेटलमेंट के थ्रू जो जा रहे हैं आप इसके ऊपर, तो इसमें कहीं ना कहीं जब तक यहाँ पे सेटलमेंट आपका पूरा नहीं हो जाएगा, यानी कि पूरा पैसा जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक बीच में कोर्ट आदि अगर आप जाना चाहें तो नहीं जा सकते, किसी फॉरम में शिकायत नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए, अमित शाह जी ने कहा था कि 45 दिन में मिल जाएगा, भरवली कहा था लेकिन रिटर्न में कहीं नहीं था। अब इसके बीच अगर ये देर करेंगे, आपका रिजेक्ट कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो बीच में आप कहीं नहीं जा सकते हैं, कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कंप्लेन करेंगे तो आपको सीधे सीधे ये कहा जाएगा कि आप तो सेटलमेंट के अंदर जा चुके हैं। और बाकी लोगों को मैं यही अनुरोध करूँगा कि हमने एक प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको अधिक से अधिक भेज दिए। और इस हफ्ता हम माननीय चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट हैं उनको लेटर बना करके पहले भेजेंगे, और भेजने के बाद आप लोगों को भी उसका फॉर्मेट देंगे। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। जब तक पूरे देश के लोग एकजुट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी अपने चुनाव में लग गए हैं, उनको इस बात का ध्यान नहीं है। आपको ध्यान होगा जब इन्होंने ये वाला पोर्टल लॉन्च किया था उसके मात्र 17 दिन में ही ये घोषणा कर दी थी कि 112 लोगों को हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं और धीरे धीरे बाकी लोगों को भी किया जाएगा। लेकिन एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आप में से किसी को 10,000 रुपया भी मिला है या नहीं मिला है। अगर मिल गया है तो कौन से स्टेट से हैं, और साथ ही अगर आप हो सके मिल गया हो तो अपना नंबर हो सकता है कमेंट्स में दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं कमेंट्स में दे सकते हैं तो इनबॉक्स में भी ज़रूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा, अगर आपको पैसा मिला होगा तो मैं आपके घर ज़रूर आऊँगा, इस बात को ध्यान रखिए। और घर आकर के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर आप चाहेंगे तो पूरे देश को बताऊँगा कि ये लकी आदमी है जिनको अमित शाह जी ने कहा था 10,000 रुपया 45 दिन में मिल गया है। अब ये देखिए, कल को 5 दिन के बाद हमारे वीडियो के देखने के बाद मिल जाएगा तो उसका कोई बात नहीं है। सीधा सीधा बात ये है कि 45 दिन में किसी को भी पैसा नहीं मिला, और यही बात हमने कहा था। अब जो लोग आपको पहले से क्लेम करने के लिए बोल रहे थे, अब वही सरकार के इस पोर्टल पे उंगली उठा रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि नियम कानून का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जबकि ये बात हमने पहले ही कह दिया था। अब आपके पास दो ही रास्ता है। पहला रास्ता ये है कि जिन लोगों ने क्लेम कर दिया है और उनका रिजेक्ट हो गया है तो उनको सरकार के अगले आदेश का वेट करना चाहिए, और उसका कहीं ना कहीं जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे इंतज़ार कीजिए, और कोई भी इस तरह की जानकारी आएगी आपके लिए तो हम आपको देंगे। अब रही बात दूसरी कि जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप लोग अभी क्लेम नहीं करें। जो लोग पहले क्लेम कर दिए हैं उनको देखिए उनको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अभी अगर आप क्लेम नहीं करेंगे और बाद में क्लेम करेंगे तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। इसीलिए किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं, और सभी लोग जुड़े रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए ताकि फिर से वो एजेंट के पास ना चले जाएं, और कहीं ना कहीं एजेंट के मार्फत सहारा इंडिया उनको बुलाना चाहता है और कुछ कन्वर्जन उन्वर्जन करवा लेगा, चाहे ये लिखवा लेगा कि इनका पैसा ही नहीं जमा है या फिर उन्होंने कैश में पैसा वापस पा लिया, और इसीलिए 4-5 YouTube वीडियो बना करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि इस बात को सभी तक पहुँचाएँ कि गलती से भी सहारा इंडिया के ब्रांच नहीं जाना है, ओरिजिनल पेपर कोई मांगे उसको नहीं देना है, कोई पेपर पे साइन कराए तो नहीं करना है, नहीं तो साइन करने के चक्कर में भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी करते रहेंगे कुछ नहीं होगा। और सभी लोगों को कहूँगा कि अपने आसपास के लोगों को एक एक जानकारी शेयर करें, लोगों को एकजुट करना शुरू कर दें, क्योंकि एकजुट नहीं होइएगा तो मेरे कुछ भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों को मैं ये देखता हूँ कि केवल और केवल वो अपना पैसा निकालने के चक्कर में लगे हुए हैं, और इसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं सरकार उठा रही है। दोस्तों, इसके साथ ही विदा लेता हूं, और उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, और अगले जो भी आदमी आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है उसके झांसे में नहीं आएंगे। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, Facebook पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से और Facebook के माध्यम से भी जुड़े रहिएगा। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, धन्यवाद।